नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अयोध्या का राम मंदिर पहली ही बारिश में टपकने लगा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया। अगर एक दो दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया, शनिवार रात 2 से 5 तक तेज बारिश हुई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच तक पानी भर गया। मंदिर के अंदर लोगों को डर था कि कहीं बिजली का करंट न उतर आए, इसलिए सुबह 4 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। सुबह 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। आचार्य दास ने कहा, गर्भगृह के अलावा भी जो छोटे मंदिर बने हैं वहां भी पानी भर गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें क्या कमी रह गई। एक तो राम मंदिर से बारिश का पानी निकलने की जगह नहीं है, ऊपर से पानी भी चूने लगा, इससे अव्यवस्था हुई। अयोध्या में शनिवार रविवार की रात 67 mm बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया, सड़कें धस गई। 6 महीने पहले बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल भी ढह गई। जल निकासी ठीक नहीं होने के चलते दिक्कत हो रही है। पुजारी के मुताबिक इसको जितनी जल्दी ठीक करवा लिया जाए उतना अच्छा है। पानी को रात 10 बजे तक सुखाया जा सका। ये पानी क्यों भरा, इसके जवाब में उन्होंने बताया, पहली मंजिल पर निर्माण जारी है, वहां रॉड लगाने के लिए होल छूटे हुए हैं, वहीं से मंदिर के अंदर पानी आया था। अयोध्या में शनिवार रात बारिश हुई, इससे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल ढह गई। 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। इसके अलावा कई जगह पर सीवर लाइन धस गई, जिससे कई घरों और मंदिरों में सीवर का पानी घुस गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।